आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार हरी, स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत है. सबसे पहले सुर्खियों पर. कोर्ट ने मोदी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. प्रज्वल मामले पर बीजेपी की चुप्पी क्यों? पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया. कल मनोज चरंगे पाटिल का रोड शो और सभा. शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में बार बार वर्षा. प्रधानमंत्री की सभा के बाद गाड़ियों की भीड़. पूर्व प्राचार्य ए घोरपड़े की पत्नी का देहांत. महादेव पाटिल का दोपहिया अभियान. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्या पेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, ते ही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान देवी देवताओं और धार्मिक स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निलंबित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई. लेकिन इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि यह याचिका पूरी तरह से गलत है और चुनाव आयोग इस संबंध में फैसला लेगा. वरिष्ठ वकील आनंद जोंधले ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अपने भाषण में राम मंदिर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर और अफगानिस्तान के गुरु ग्रंथ साहिब का उल्लेख करके वोट मांगे. इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज भी कराई. उन्होंने इस शिकायत में प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए निलंबित करने की मांग की. प्रज्वल मामले पर बीजेपी की चुप्पी क्यों? हसन सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के खिलाफ अन्याय के मामले पर बीजेपी नेता चुप क्यों है? महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबाड़कर ने सवाल किया है कि क्या भाजपा उनकी पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए कुकर्मों की जिम्मेदारी लेगी? पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा बेलगाम उम्मीदवार जगदीश शेट्टर ने हुबली में नेहा हिरेमठ हत्याकांड में बहुत रुचि दिखाई थी. उन्हें आज भी पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठाने की चुनौती दी. सोमवार को गृह कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, हम इसमें राजनीति नहीं मिलाएंगे. लेकिन हुबली मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाने वाले बीजेपी नेता चुप क्यों हैं? क्या यहाँ भी सैकड़ों महिलाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है? उन्होंने मांग की कि अब भी सांसद मंगला अंगड़ी को बड़े आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए. इस प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया. चामराजनगर से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का रविवार आधी रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. उन्होंने 76 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. वो पिछले 4 दिनों से ICU में भर्ती थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित थे. उन्हें 22 अप्रैल को बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनकी मृत्यु हो गई. वी श्रीनिवास प्रसाद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1976 में जनता पार्टी से की थी. श्रीनिवास लंबे समय तक केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. कल मनोज चरंगे पाटिल का रोड शो और सभा. मराठा नेता मनोज चरंगे पाटिल की सभा की तैयारी हो चुकी है. मंगलवार 30 सभाओं से पहले चरंगे पाटिल का भव्य रोड शो धर्मवीर संभाजी चौक से शुरू होगा. इस मौके पर पूरे मराठा समाज की ओर से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है. चरंगे पाटिल ने विविध मुद्दों पर मराठा समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए मंगलवार को महाद्वार रोड स्थित धर्मवीर संभाजी उद्यान में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया है. बैठक के लिए आवश्यक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है. शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में बार बार वर्षा. पिछले 2 दिनों से शहरी क्षेत्र और तालुका बारिश की चपेट में है, लेकिन सोमवार सुबह पूरे दिन बादल छाए रहे. दोपहर करीब 2 बजे बारिश शुरू हो गई. शहर के मध्य भाग में भारी बारिश हुई. शहर के बाहर हाईवे क्षेत्र में बारिश हुई. सुबह से आसमान में बादल छाए रहने के कारण शहरवासियों को बारिश का इंतजार था. बेलगाम तालुका के पश्चिमी भाग के साथ साथ बेलगाम शहर के मध्य भाग में छिटपुट बारिश हुई. 4 दिन बाद गर्मी की बढ़ोतरी कुछ कम हुई. वलीव अब नियमित रूप से उपस्थित होने लगा है. प्रधानमंत्री की सभा के बाद गाड़ियों की भीड़.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालिनी सिटी में प्रचार रैली के बाद राजमार्ग घटना रविवार दोपहर की है, जब अलारवाड़ी ब्रिज के पास यहां की सर्विस रोड पर बड़ी संख्या में वाहनों का जमावड़ा लग गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित की गई, इसके लिए नगर क्षेत्र की कुछ सड़कों पर यातायात में बाकायदा बदलाव किया गया। इसी तरह सभा स्थल की ओर जाने वाली सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रचार रैली समाप्त होते ही इन अवरुद्ध मार्गों को फिर से खोल दिया गया। परिणाम स्वरूप सुवर्ण विधानसौध स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 वाहनों की एकस्मृत भीड़ थी। पूर्व प्राचार्य ए घोरपड़े की पत्नी का देहांत। जाधवनगर के प्रतिष्ठित निवासी भाग्यरेखा अशोक घोरपड़े, उम्र 75 वर्ष, इनका 29 तारीख को अल्प बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां हैं। वो मराठी स्कूल नंबर 2 में पूर्व शिक्षिका थी और तारारणी सहकारी संस्था की निर्देशक भी थी। वो ज्योति कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल अशोकराव घोरपड़े की पत्नी थी। महादेव पाटिल का दोपहिया अभियान। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से समिति के उम्मीदवार महादेव पाटिल का रविवार को धामनई इलाके में प्रचार किया गया। क्षेत्र में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस समय राष्ट्रीय पार्टियों को मराठी जनता की ताकत दिखाने के लिए समिति से मतदान करने का आग्रह किया गया। धामनई, कुर्बरट्टी, देवगट्टी, यरमल में दोपहिया वाहन यात्राएं आयोजित की गई। यल्लूर में खत्म हुआ। राउंड में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। इस दौर में शहर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, सागर पाटिल, चंद्रकांत कोंडुसकर, पूर्व उपमहापौर संजय शिंदे आदि ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त के छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सांगला बेलगाम में महालक्ष्मी यात्रोत्सव 14वें से शुरू होगा और 9 दिनों तक चलेगा। यात्रोत्सव समिति यात्रा की जोरदार तैयारियां कर रही है। सोमवार से मंगलवार तक 14 दिन होंगे। अनुष्ठान मंगलवार की सुबह अक्षतारोपण, देवी जुलूस और रथोत्सव होगा। शनिवार 18 से मंगलवार 21 तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। त्रिपक्षीय लड़ाई के कारण बेलगाम कारवार में चुरस। महाराष्ट्र की करण समिति के उम्मीदवार बेलगाम और कारवार लोकसभा क्षेत्रों में मैदान में उतरे हैं। इससे चुनाव में रंगत आ गई है और राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। बेलगाम और कारवार लोकसभा क्षेत्रों में मराठी भाषा बड़ी संख्या में है। हालांकि मराठी भाषी उम्मीदवारों को निर्वाचित होने से रोकने के लिए खानापुर तालुकों को शुरू से ही कारवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि बेलगाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अन्य विधानसभा क्षेत्र शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ किए गए अन्याय की आलोचना। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कर्नाटक आते हैं तो भयंकर झूठ बोलते हैं। मोदी ने अपने झूठ के कारण प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर दिया है। इसलिए झूठ बोलकर आपको बकरी बनाने वाले मोदी को दोबारा सत्ता में मत लाओ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री कागवार तालुका के उगार खुर्द स्थित विहार मैदान में चिकोड़ी जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित कागवाड़, अतनी, कुड़ची और रायबाग निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रजाध्वनि 2 चुनाव अभियान बैठक का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इस अवसर पर मंच पर पूर्व मंत्री वीर कुमार पाटिल, विधायक गणेश हुक्केरी, पूर्व विधायक काकासाहेब पाटिल, श्याम घाटके, मोहन शाह, चिकोटी जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव इंगले और अन्य नेता उपस्थित थे। जाइंट्स मैन एवं नामदेव देवे की संस्था की ओर से बेसहारा वृद्ध का अंतिम संस्कार। प्रदीप गुप्ता नामक व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से किर्लोस्कर रोड पर खुदरा व्यापार से अपनी जीविका चला रहा था। इस बेसहारा व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं था। उसने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया। पिछले कुछ दिनों से वो व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा था। समाज सेवियों द्वारा उसे अक्सर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिरकार रविवार की सुबह प्रदीप मिश्रा का कठिन सफर खत्म हो गया। जाइंट्स मैन के सदस्य और नामदेव दवे की संस्था के अध्यक्ष अजित कोकणे को जैसे ही खबर मिली कि किर्लोस्कर रोड पर महाराष्ट्र बैंक के पास एक व्यक्ति मृत पड़ा है, वे मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम 6 बजे सदाशिवनगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जाइंट्स मैन के पूर्वाध्यक्ष मदन बाम ने, नामदेव दवे की संस्था के अध्यक्ष अजित कोकणे, नगर निगम कर्मचारी और अन्य उपस्थित थे।
खानापुर समिति ने सचिन केलवेकर पर हुए हमले की निंदा की। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सचिन केलवेकर पर हुए कायरतापूर्ण हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा की है। साथ ही पुलिस से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल मंगलवार को धर्मवीर संभाजी उद्यान मैदान में एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। सोशल मीडिया पर इस बैठक के बारे में जागरूकता फैलाने के कारण समिति के कार्यकर्ता सचिन केलवेकर और उनके भाई पर आधी रात में हमला किए जाने की जानकारी मिलने पर खानापुर तालुका समिति के पदाधिकारियों ने तुरंत विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चखा जोंदला की रोटी। बेलगाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा लोगों का ध्यान खींचने वाली बन गई है और बेलगाम में उनका प्रवास बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा भी बन गया है। बेलगाम के प्रमुख भाजपा राजनीतिक नेताओं और संगठन प्रमुखों ने उनसे मुलाकात की। बेलगाम में ठहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को उत्तरी कर्नाटक की मशहूर जोंदला रोटी का खाना खाया। क्योंकि मोदी पहली बार बेलगाम में थे इसलिए उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेंटर ने उनका स्वागत किया। कंगराली में स्वीप समिति की ओर से मतदान जागरूकता अभियान। जिला एवं तालुका स्वीप समिति एवं ग्राम पंचायत कंगराली खुर्द पर आयोजित मतदान जागरूकता अभियान कंगराली खुर्द में चलाया गया। मराठी स्कूल खेल मैदान में आयोजित तालुका स्तरीय कार्यक्रम में पंचायत विकास अधिकारी गोपाल नाइक ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। मराठी स्कूल के शिक्षकों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। इसके बाद सीईओ राहुल शिंदे ने कृष्णराज सागर स्वीप कमेटी तालुका प्रमुख रामरेड्डी पाटिल की मौजूदगी में चुनावी झंडा फहराया। इस दौरान सभी ने मतदान को कर्तव्य मानकर पालन करने की शपथ ली। इस बार मार्गदर्शन राहुल शिंदे ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।